बदहाली से गुजर रहे हैं। जी हाँ, हम बात महासमुंद की कर रहे हैं, जिले के जहाँ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गाजर में छात्र छात्राओं ने अपने पालकों के साथ मिलकर स्कूल का बहिष्कार किया है। दरअसल स्कूल में 523 बच्चे अध्ययनरत हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए 22 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन इन बच्चों का भविष्य 7 शिक्षकों के भरोसे अधर में अटका हुआ है और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे। अब सवाल यही उठता है कि पढ़ेगा नहीं इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। हमारे शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है, जिस कारण हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ बायो का टीचर नहीं है, इतिहास का टीचर नहीं है, गणित का टीचर नहीं है, सामाजिक विज्ञान का टीचर नहीं है। हमारे विद्यालय में 523 बच्चे हैं और 22 सीट है शिक्षकों का, लेकिन 7 शिक्षक बस हैं, इसलिए हमें पढ़ाई में समस्या हो रहा है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। निरंतर यहाँ से शिक्षकों का ट्रांसफर क्रम जारी है, पहले ही 2 शिक्षक यहाँ से जा चुके हैं, उसके बाद भी फिर से 2 शिक्षक का तबादला हो चुका है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था के नाम में कोई भी टीचर यहाँ पे नहीं आया उसके जगह पे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टीचरों की बहुत ज्यादा कमी है। उसको बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम अपने बच्चों को बागबाहरा से यहाँ लाए हैं, तेंदुकोना से यहाँ लाए हैं, मुंडा शेर से यहाँ लाए हैं, पूरे बाहर के बच्चे यहाँ आकर पढ़ रहे हैं। उन सभी बच्चों का भविष्य ध्यान में रखते हुए हम सभी पालक और छात्र के साथ हम उनको समर्थन में खड़े हुए हैं। 2 शिक्षक पहले और 2 शिक्षक आज की स्थिति में ट्रांसफर हो चुके हैं, इसकी वजह से बच्चे शाला बहिष्कार कर रहे हैं। 7 शिक्षक हैं तो 7 शिक्षक तो पूरी कक्षा को पढ़ा नहीं पाएंगे, इसे तो शाला विकास समिति से सलाह मशविरा करके व्यवस्था वो ध्यान देंगे। चित्रकूट और